और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशियां दे माता, सदा सुख दे माता रानी। आपका कल कैसा होगा ये इस पर तय होता है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, वो कितना नाम कमाएंगे, वो कितनी शोहरत कमाएंगे। इसीलिए आज हम आपके संतान के भविष्य की बात करने वाले हैं, उसकी करियर की बात होगी और कौन कौन से विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। कुंडली से आप भी जान सकेंगे आपके बच्चे का भविष्य, बच्चों के गुस्से का उनके भविष्य पर क्या असर होता है, बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ याद क्यों नहीं रहता, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने वाले रामबाण, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने वाले रामबाण उपाय होंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और अपना सवाल आप गुरुदेव से कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आप शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें गुरु मंत्र @itvnetwork.com पर मेल कर दीजिए, और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव पहला कॉलर हम लें, लेकिन उससे पहले मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा, कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी, परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है, शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी, किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। गुरुदेव चूंकि बात आज हम बच्चों की कर रहे हैं और बहुत से बच्चे आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, ऐसे में पढ़ेंगे तो याददाश्त उनकी कमजोर रहती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, कुछ याद नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। बड़ा इसके 3-4 कारण नजर होते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बच्चे का सूर्य ये पापी ग्रहों से प्रभावित हो तो बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, या लगन के अंदर पापी ग्रह बैठे हों जैसे शनि हो गया, राहु हो गया, ये इनका संबंध बन जाए तो बच्चे के अंदर एक अलग सा चिड़चिड़ापन होता है, जिससे कि उस बच्चे के विचार अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाते, माता पिता की कही हुई बात भी उसे बुरी लगती है, टीचर की कही हुई बात उसे बुरी लगती है, और वो बहुत देर तक पढ़ाई लिखाई के अंदर लगा रहे उसकी सहन शक्ति में कमी आती है, जिसके कारण अगर शरारतों वाला मामला है तो बच्चा अव्वल है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई की बात करो तो वो ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाता। ये वाले हालात पापी ग्रहों के मेल से होता है, या लगन के साथ संबंध हो या सूर्य मंगल के साथ संबंध हो जाए, तो ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। एक दूसरा भी कारण होता है, दूसरा कारण होता है जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा को ग्रहण लगना, यानी कि चंद्र केतु का मेल होना, चंद्र राहु का मेल होना, चंद्र शनि का मेल होना, ये तो बहुत ही अजीब हालात पैदा करता है, क्योंकि ऐसे में बच्चा चंद्र केतु का मेल हो तो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता तो है लेकिन उसका ध्यान बाहर होता है, यानी कि अगर बाहर से कोई आवाज आ रही है, बाहर कोई बात कर रहा है, बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, उसका ध्यान हमेशा वहां पर लगा रहता है, और बच्चा यहां पर लगता तो है कि किताबों पे उसकी निगाह है लेकिन वो ऐसे ही मायने में ध्यान कहीं और होता है। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल होता है उन बच्चों को सपने देखने की बड़ी आदत होती है, जागते हुए अगर वो पढ़ भी रहे होते हैं तो उस वक्त में वो सही मायने में अपने दिमाग ही दिमाग के अंदर कुछ और सपने बुन रहे होते हैं, कुछ और चल रहे होते हैं, या कोई इमोशनल बातों को सोच के अपनी सोच को वैसे ही वो भंग करके रखते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा, और ये पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए सबसे खराब योग बनते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर उनका सूर्य मंगल बृहस्पति और चंद्र
ये अगर अच्छी स्थिति में या पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो ऐसे बच्चे निर्विघ्न पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा, यानी कि एक बार पढ़ा याद हुआ और हर तरह से उत्तम हालात रहते हैं। लेकिन बात तो आज हम इन बच्चों की कर रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो। अगर आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, आप जैसे उसे समझाती हो तो वो बच्चा रूठने लगता है, नाराज होने लगता है और टीचर की बात भी आकर के घर पे शिकायत लगाता है टीचर की, तो समझ लो ये सूर्य के कमजोर की स्थिति है। ऐसी अवस्था में आपको पापी ग्रहों से संबंधित दान जरूर करने चाहिए। और वो दान क्या है? ऐसे में आपको हर शनिवार को बच्चे को सरसों के तेल में मुंह दिखा करके दान जरूर करना चाहिए, ठीक है? और साथ ही बच्चे को काले और नीले रंग के वस्त्रों से दूर रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे की ये स्थिति है तो उस स्कूल के अंदर आप बिल्कुल पढ़ने को न डालें जिसके अंदर की नेवी ब्लू कलर की ड्रेस हो, वरना आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई के रिजल्ट सदा ही खराब बने रहे, ये आपको बताना जरूरी था। दूसरा, अगर आपका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन ज्यादातर उसकी कंसंट्रेशन अपने काम पे नहीं बनती, यानी कि पढ़ाई पे नहीं बनती, पढ़ते हुए भी ध्यान उसका इधर उधर भटका रहता है और उसका दूसरों के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है और बार बार उठ करके शरारत करने को मन करता है, तो समझ लीजिए बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह है। और ऐसी अवस्था के अंदर एक और सिम्टम्स पैदा होते हैं कि बच्चे की मां की सेहत में दिक्कतें बनती हैं, उसके कमर पांव में दिक्कत बनती है और मां का स्वभाव भी उल्टा चिड़चिड़ेपन पे आता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब भी चंद्र ग्रहण आए तो उसमें आप 4 नारियल पूजा वाले, 400 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम काले सफेद तिल यानी कि 200 ग्राम मिक्स करके, 40 सिगरेट प्लेन जिसको फिल्टर नहीं लगा होता वो भी उसी में डाल देनी है और ये सारी चीज लेकर के बेटा इनको आपस में मिक्स कर लो और बच्चे के सर से 7 बार घुमा के उसको चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह करो और साथ ही मल्टी कलर कपड़े जैसे काला सफेद इकट्ठा या जिसके अंदर 3-4-5 रंग इकट्ठे हों, ऐसे कपड़े बच्चे को पहनाने से मना करें। कहने का मतलब उसको मल्टी कलर कपड़े नहीं पहनाने। अगर आप इतना भी करके चलेंगे और उसके पढ़ने लिखने वाले कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा चांदी के बर्तन में और पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के रखेंगे तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन बेस्ट बनेगी और बच्चे के लिखाई पढ़ाई के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और अगर कहीं बच्चा बहुत इमोशनल है और पढ़ते हुए वो पढ़ भी रहा है और सोच भी रहा है, ये तो आप ही को ध्यान से वॉच करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा स्वयं तो आके बताएगा नहीं कि वो पढ़ भी रहा है और मन ही मन में सोच ही भी जा रहा है। ऐसे बच्चे को याद रखने से संबंधित दिक्कत ही बहुत पड़ती है क्योंकि वो पढ़ तो रहा नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहा होता है, सोच कहीं और रहा होता है। ये और इसके सिम्टम्स बाकी क्या बनेंगे? ऐसे में मां की आंखें भी कमजोर होती हैं, मां के अंदर गुस्सा और जिद्दीपन ज्यादा पड़ता है, मार पिटाई यानी कि बच्चे को मारना मां के लिए ये ज्यादा हो जाता है और घर के अंदर सीलन आती है। जिनके घर में ये वाले हालात हो वो यहां पर शनि का उपाय जरूर करें। और वो शनि का उपाय क्या है? सबसे पहले चांदी की थाली में गंगा जल भर के उसे बच्चे के कपड़ों की अलमारी में रखें और उसके अंदर गंगा जल और भरते रहे, सूखने ना दे, पहला ये। दूसरा उपाय, बच्चे को 43 दिन लगातार सादा पानी पीने को बिल्कुल मत दे, उसमें नमक, चीनी, ग्लूकोज, स्क्वैश कुछ भी डाल के सादा पानी बिल्कुल ना दे उसे 43 दिन के। और तीसरा, काली स्याही ये सोमवार या शनिवार के दिन थोड़ी सी लेकर के ये मंदिर के अंदर जाके चढ़ाते रहे, इससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, उसके रिजल्ट उधर से अच्छे आने लगेंगे। तो बेटा इस तरह से आप बच्चे की पढ़ाई लिखाई को अच्छा कर सकते हैं। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जान ले उनका आज का दिन का हाल। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है, परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर लें। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है, आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं।
कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। गुरुदेव, बात आज हम बच्चों की कर रहे हैं, उनके भविष्य की कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि किन किन वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, अगर बचपन में वो ऐसा है तो क्या भविष्य पर भी इसका असर होगा? बिल्कुल होता है रजे, पर जो बच्चे के अंदर खास जिद्दपन आता है उसका भी बहुत ज्यादा असर होता है। और वो खास जिद्दपन और गुस्सा किन में होता है? जिन बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब अवस्था के अंदर हो बेटा, वो बच्चे बड़े अलग किस्म के होते हैं। वो क्या होता है, वो बच्चे अपने आप से ही बात करने वाले होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत जल्दी घबरा जाने वाले होते हैं और माहौल के अंदर कमियां निकालने वाले होते हैं। और कमी तो निकालते हैं लेकिन बोलते भी नहीं कि माहौल में क्या कमी है। अगर उनके साथ आज कोई घटना घट रही है तो वो जाकर के 5 दिन बाद 10 दिन बाद हो सकता है कई बार महीने बाद बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। ये भी चीज पढ़ाई के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालती है। एक दूसरा एक और योग जिसे हम गुरु चंडाल योग बोलते हैं, इसके अंदर बच्चा जिद के ऊपर आता है। जैसे ही माँ बाप कहते हैं कि पढ़, तो वो उनको ऐसे घूर के देखता है कि जैसे खा जाएगा और जिद पे अड़ जाता है कि आप तो चाहे मेरे को मार मार के ये नीला कर दे, मैं तब भी नहीं पढ़ूंगा। ये योग सबसे ज्यादा खराब है बेटा, इसे गुरु चंडाल योग बोलते हैं। और तीसरा एक और योग होता है, और वो योग होता है कि अपने आप में बातें करते जाना और बहुत समझदार बनना और समझदार बनने की कोशिश करना, लेकिन सही मायने में पढ़ाई नहीं करना। समझे, बहुत मीठी मीठी बातें करना, दूसरों को छोटी उम्र के अंदर ही एडवाइजे देना लेकिन पढ़ाई नहीं करना। बट ये तीन किस्म के योग और होते हैं, और ये तीनों ही योगों में बच्चे का अंतर मन से एक अड़ियल स्वभाव होता है। समझे, इनको भी ठीक करने का उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य पे तो इसने असर डालना ही डालना है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जिनका बुध खराब है, यानी कि अपने आप से ही बातें करते हैं। आज जो वाकया हो जाए वो आज नहीं बताएंगे, बहुत देर बाद बताएंगे। इनका बुध खराब होता है बेटा, इसको ठीक करने के लिए हो सके तो बच्चे को नाक में से यहां सेंटर में 6 दिन के लिए नाक छेदन करवा दीजिए। बस 6 दिन के लिए सोने की या चांदी की तार डालिए और 6 दिन के बाद निकाल के फेंक दीजिए। पहला तो ये। दूसरा, हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के ढक्कन लगा के मंदिर में दे दीजिए। ये लगातार अगर हो सके तो 43 हफ्ते तक आप करवाते रहें। इतने में ही इस बच्चे की तरफ से मिलने वाली शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा, मैंने गुरु चंडाल योग बताया। गुरु चंडाल योग में बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा होता है और उसका गुस्सा ही इस चीज का कारण बनता है कि उसकी याददाश्त ना बढ़े, क्योंकि वो करे ना। और बच्चा जिद पे अड़ जाता है कि नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, ये वाला बड़ा खतरनाक योग है। इस योग के अंदर भी खास तौर पे बच्चे को नीले और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, और साथ ही 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करते हैं, और चांदी में एक काला सफेद हकीक ये मंडवा करके और उसको 43 दिन गाय के जूठे पानी के साथ धोकर के बच्चे की जेब में रख दीजिए। इतना काम भी करेंगे तो इसकी जिद टूट जाएगी और बच्चा बिल्कुल पोलाइट होकर के पढ़ने लगेगा, क्योंकि गुरु चंडाल योग में अगर ये जिद देता है तो ठीक होने के बाद उसके बहुत अच्छे असर भी देता है। तो इसीलिए ये उपाय बहुत ही कारगर रहेगा, और ऐसे बच्चे को खास तौर पर लाल रंग के कपड़े पहनाना बहुत सफलकारक है। फिर वो बच्चा जो छोटी उम्र में ही बड़ों जैसी एडवाइस तो करता है लेकिन पढ़ता नहीं, ये जो योग होता है ये बृहस्पति की बहुत उच्च वाली स्थिति होती है और राहु की उच्च वाली स्थिति होती है, जिसमें बच्चा समझता है कि वो पढ़ा लिखा ही पैदा हुआ है और उसको हर चीज का ज्ञान है। लेकिन ऐसे बच्चे अगर पढ़ जाए तो फिर तो इनका रूप ही विरला होता है और ये जिंदगी के अंदर चाहे बिल्कुल निमन सर के घर में भी पैदा हुए हों, ये जिंदगी में बहुत स्पेशल काम करते जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम चने की दाल मंदिर के अंदर देना, यह बहुत जरूरी है। और साल में 4 बार 7 नारियल पूजा वाले लेकर के इनको जल प्रवाह करना बहुत जरूरी है, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा ऐसे बच्चे की जेब में हमेशा रख छोड़ें। तो इसके करने से भी
परमात्मा की दया से इन बच्चों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उपायों की मदद से ये पढ़ाई लिखाई पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे और अच्छी पढ़ाई करके। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बेहद आसान है। अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, आप गुरुदेव से सीधा संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी परेशानी हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल भी कर सकते हैं। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनामिका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने बेटे की जन्म तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अनामिका अवस्थी है, लखनऊ से है। तो मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसका नाम निशांत अवस्थी है। 16 मई 2012 को पैदा हुआ था, 3:23 को लखनऊ में ही। इनके भविष्य के बारे में पूछना था कि क्या करेंगे आगे, और ये थोड़ा बीमार रहता है। बेटा जी, तुमने अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, ये ठीक है। माता पिता के लिए इसकी कुंडली अच्छी है, लेकिन माता पिता के साथ विचार मिलना, बच्चे के स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन आना, याद रखने की ताकत में कमजोरी आना और प्लस स्वास्थ्य का खराब होना, ये लिखा हुआ है। कारण ये कि सूर्य और राहु का मेल, ये सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर, ये बहुत ही खराब योग है बेटा, और इसकी वजह से बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खराबी के योग बनते हैं। फिर लगन में बैठा हुआ खराब शनि जो स्वभाव को खराब करता है, बच्चे को खुल के दूसरों के साथ घुलने मिलने की प्रवृत्ति को खराब करता है, अंतर्मुखी बनाता है, और जिसकी वजह से खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण भी बच्चे के अंदर एक हीन भावना जन्म लेती है, जिसके कारण उसके ऊपर दबाव बनता है और लिखाई पढ़ाई में कमजोर रह जाता है। ठीक है, ये योग इस बच्चे की कुंडली के अंदर खराब है। बेटा सबसे पहले इसका इलाज करो, और वो इलाज क्या है, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले उनको जाके जल प्रवाह करके आना है। जिस लोहे के बर्तन के अंदर आप इसे जलाएंगे, पहले उसके ऊपर मिट्टी का लेप जरूर करना है, और मिट्टी के ऊपर, यानी कि लोहे के बर्तन के ऊपर रखी हुई मिट्टी के ऊपर ही इस तांबे के सिक्कों को जलाना है। देखिए, दूसरा, घर से निकलते वक्त में खून का कोई भी ताल्लुकदार सामने ना आए, वरना उसके लिए तकलीफ बन सकती है। तो पहला ये उपाय, दूसरा उपाय इसके स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक करने के लिए, हर साल 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दान दे, और हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। तीसरा, समय समय के ऊपर गुड़ और गेहूं का दान, यानी कि हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान अगर आप ये करवाते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। अगर ये उपाय करवाते हो बेटा, इसकी पढ़ाई निर्विघ्न होगी, स्वास्थ्य इसका बिल्कुल उत्तम होगा, चिड़चिड़ापन टोटली खत्म हो जाएगा और बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। रही बात इसके करियर की, इस बच्चे के लिए किसी भी तरह की इंजीनियरिंग करना वो भी बहुत है, आगे जाके नेता बनना वो भी इसकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है, या किसी भी तरह के बैंकिंग क्षेत्र में उतरना इस बच्चे के लिए उत्तम है। तो इन उपायों को करवाओ ताकि बच्चा जीवन में अच्छी कामयाबी पा सके। और इसी के साथ हमें रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना। गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी की नई मुहिम के बारे में आपको बता दें, अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अगर आप अपने काम से रिटायर हो चुके हैं, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए। आपको करना क्या होगा, मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको 50,000 से लाखों रुपए तक आप कमा सकते हैं। इसके लिए आप astroarmy.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, लॉगिन कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। पहला सवाल हमने, लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने राशियों के मुताबिक उनके आज का दिन का हाल। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें, बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसे मित्र आपकी कठिन परिस्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आसन राशि। धनु राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव, बात आज हम बच्चों की कर रहे हैं, उनके भविष्य की कर रहे हैं। वैसे तो आपने कुछ उपाय बताए हैं बच्चों को और दुरुस्त करने के लिए, लेकिन कुछ रामबाण उपाय जरूर बताइए जिससे बच्चों की याददाश्त और अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आज आप सबको मैं वो उपाय बताता हूँ जो मेरे बचपन के अंदर मेरे गुरुदेव मेरे को तो बताते ही थे, और साथ ही हमारे यहाँ जितने भी उस वक्त में उनके यहाँ और क्लाइंट आते थे, लोग आते थे पूछने के लिए, उनको वो कहते थे कि ये जरूर करो अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई के। वो क्या? सबसे पहले वो कहते बच्चे को जहां भी पढ़ना हो, जिस टेबल पे बैठना हो, जहां उसका पढ़ाई लिखाई का स्थान हो, वहां टेबल के ऊपर लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाओ मेज पोष, क्योंकि लाल रंग कंसंट्रेशन के लिए होता है, और जहां पर भी लाल रंग होगा वहां बच्चा अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके एक ही जगह फोकस करके उसको याद रखने में बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए बच्चे की जहां लिखाई पढ़ाई होनी है वहां पर लाल रंग का मेज पोष बिछाना चाहिए। दूसरी बात, पढ़ने वाले बच्चे का अगर आप हर रोज केसर का तिलक उसकी नाभि पे, जुबान पे और माथे पर लगाते हैं, इससे बच्चे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा बना रहता है, क्योंकि बृहस्पति याददाश्त का कारक है, तो इसी बहाने बृहस्पति का ये गुण उसके अंदर बच्चे के अंदर जाने के कारण बच्चे की याददाश्त में बढ़ोतरी भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे के हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं। तीसरा, बच्चे की जो कलम है, कहने का मतलब जो उसका पेन है, अगर उसको आप ऐसा पेन ला करके दे सके जिसका जो बाहर का कवर है, खोल है उसका, लाल और गोल्डन रंग का हो, नहीं तो कम से कम लाल ही, समझे। अगर ऐसा पेन ला करके देंगे उसके अंदर जो रिफिल है वो भले ही ब्लू हो ब्लैक हो उससे कोई मतलब नहीं, उसके बाहर का जो कवर है वो रेड कलर का और गोल्डन कलर का अगर हो तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा लाल किताब में भी बताया गया कि सर्वोत्तम होता है। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, एक रुद्राक्ष लाल धागे के अंदर पिरो के उसके गले में डाले, लेकिन रुद्राक्ष भी चार वेरायटी के होते हैं बेटा, उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। ब्राह्मण जो रुद्राक्ष होता है बेटा वो हल्के से पीले रंग पे होता है, क्षत्रिय लाल पे होता है, वैश्य व्हाइट पे होता है, और जो शूद्र वो काले रंग में होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लेना कौन सा है? जो पीले रंग के ऊपर थोड़ा सा रुद्राक्ष होता है आपको वो वाला रुद्राक्ष लेके उसकी पूजा अर्चना करके पास वाले पंडित जी से आप किसी से भी करवा सकते हो, और उसको पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत है और आता भी दो चार रुपए का है, लाल रंग के धागे में पिरो के बच्चे के गले के अंदर धारण कर दीजिए, सबसे उत्तम। और तीसरा, अगर बच्चे को याद रखने से संबंधित दिक्कत है, बच्चा थोड़ी देर पढ़ के अभी याद है बाद में भूल जाता है अगर, और या फिर बच्चे को एग्जाम्स के दौरान शरीर के अंदर कुछ ना कुछ विघन आते हैं, बीमारी आती है जिसके कारण उसके एग्जाम खराब हो जाते हैं, या एग्जाम के दिनों में खास तौर पे उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो बेटा यहां पर बृहस्पति का सहारा लेना बहुत जरूरी है, बृहस्पति और चंद्रमा का। ऐसे बच्चे के पास में चांदी की डिब्बी में थोड़े से चावल मां भर के उसको सील कर दे एल्फी वगैरह से या किसी भी चिपकने वाले पदार्थ के साथ में, और बच्चे को कहो कि जेब में रखे, एक तो ये, और दूसरा हर रोज रात्रि को आप पांच या सात रुद्राक्ष ले, किसी भी मुंह के रुद्राक्षों वो लेकर के तांबे के लोटे में रख दीजिए और उसको पानी भर के बच्चे के सराहने रख दीजिए, घर के मंदिर के अंदर रख दीजिए, और सुबह जैसे ही बच्चा सोके उठता है उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर के, यानी कि दो चार घूंट लेकर के, सबसे पहले बच्चे को वो पीने के लिए दें। आप ये करके देखिए, बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसकी याददाश्त भी बढ़ेगी और उसके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, समझे। ये करना जरूरी है, और इन सब में
इन सब में सर्वोपरि जो उपाय है वो एक है कि अगर बच्चा स्कूल जाने से पहले दूध पानी मिलाकर थोड़ी सी दो चार दाने चीनी के डालकर अगर बड़ के पेड़ पर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगा के जाए, बेटा आप करके देखिए, किसी बच्चे की पढ़ाई कभी भी रुक नहीं सकती, खराब नहीं होगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आपको एक बात बता दूं कि काला और नीला रंग जहर के समान होता है और खास तौर पे एग्जाम के दिनों में। अगर बच्चा काले और नीले रंग के कपड़े पहनता है तो समझ लीजिए कि उसकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। और बल्कि जिन दिनों के अंदर बच्चे के एग्जाम वगैरह हो और वाकई में उसको पढ़ाई के ऊपर बहुत ही जोर देना हो, उन दिनों में सफेद, लाल, पीले, इन रंगों के मिश्रित कलर या इनके लाइट डार्क किसी भी तरह के कलर अगर आप बच्चे को पहनने को देते हैं, आप देखिए आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चले। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे, किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। गुरुदेव, वैसे तो आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि कैसे बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या कोई उपाय ऐसा भी हो सकता है जिससे पापी ग्रह दूर ही रहें और जो अच्छे ग्रह हैं वो दिन ब दिन प्रबल होते जाएं, पढ़ाई में कोई बाधा ना आए? ये बात सत्य बेटा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी जद्दोजहद नहीं करते, पैसा भी खर्चते हैं, दिन से लेकर रात तक उनके पीछे भी पड़े रहते हैं, उनके टीचरों से भी बात करते हैं, उनसे भी करते हैं। इन सब में अगर आप वाकई ये छोटी छोटी चीजें अगर शुमार कर ले अपनी दिनचर्या में, तो बच्चे के पढ़ने लिखने वाले दिनों के अंदर उसको जिंदगी में कभी ज्यादा दिखते आ ही नहीं सकते। जैसे बच्चे के हर जन्मदिन के ऊपर जो अनाज है वो मंदिर के अंदर दान जरूर दो। अनाज में चावल है, दालें हैं, आटा है, कुछ भी आप मंदिर के अंदर दान दो। फिर हर सोमवार को और हर बृहस्पतिवार को ये दो दिन तो आप जरूर ऐसे बना लो कि भले ही मंदिर के अंदर सांझ की आरती में आप बच्चे को भेजो, और वो जरूर भेजना है, लेकिन बच्चा जब मंदिर जाए तो या तो बतासे, और वैसे सबसे उत्तम होती है कूजा मिश्री, यानी कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी डलियां भी बनती है, उसके अंदर धागा भी होता है, वो मिश्री अगर आप बच्चे को दे करके मंदिर में भेजते हैं परमात्मा को अर्पण करने के लिए और सांझ की आरती वो अटेंड करके आता है, तो इससे चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बहुत उत्तम बनेंगे, जिसके चलते हुए बच्चे की लिखाई पढ़ाई के अंदर मन जरूर लगेगा। एक तीसरी चीज, अपने बच्चे को झुकना सिखा दीजिए। अब तो साइंटिस्ट भी बोलने लगे हैं कि आप जितनी बार झुक करके सीधे होते हो उतनी बार आपके अंदर नरमी, धैर्य और ज्ञान पैदा होता है। तो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दो कि जिससे दिन के अंदर चार बार, पांच बार, सात बार ये बच्चा झुक करके किसी के पांव हाथ लगाए और आशीर्वाद ले, आशीष ले। आप अगर ये कार्य करते हैं बेटा, इससे वाकई में चंद्र और बृहस्पति सब उत्तम रहते हैं। केसर का तिलक कभी भी मत छोड़ो, ना भी जुबान माथे पर, बच्चे को आदर डाल दो, ठीक है। और तीसरा, पापी ग्रहों को खुश करना या दूर रखना, ये दो अलग अलग विधि। इसके बुरे प्रभाव को दूर रखने के लिए हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान जरूर दो। अगर और कुछ नहीं करना चाहते आप सतनाजा बना लीजिए। सतनाजा कैसे बनेगा बेटा? उसके अंदर सूर्य के लिए आप बाजरा डालिए, ठीक है, और चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर, बुध के लिए मूंग साबुत, ठीक है,
बृहस्पति के लिए चने की दाल, ठीक है, और शुक्र के लिए सफेद ज्वार और शनि के लिए उड़द की दाल, भले ही टूटी हुई वाली डाल दो, और थोड़े से चौ वो उसके अंदर आपने मिक्स करने हैं। ये करके बेटा आप ये दान दे दीजिए। ये हर शनिवार को अगर सतनाथ जी का दान करते हैं तो बच्चे के ऊपर से पापी ग्रहों की वैसे ही दृष्टि दूर रहेगी और बच्चा निर्विघ्न तरक्की करेगा और काले नीले रंग से परहेज बना करके रखें। आप अगर इतनी सी चीजों को अपने जीवन में शुमार करते हैं तो बेटा परमात्मा की दया से हर तरह से उत्तम हालात आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जरूर पड़े। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। बेशक। सबसे पहले आप अपने बेटे के जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे का जन्म 22 जुलाई 2003 दिल्ली का है, शाम 6:40। उनको घर में करंट लग गया था, उनको बहुत नुकसान हुआ था, तो मैं उनको ये चाहता हूँ कि पढ़ाई और चीजों में बहुत डिस्टरबेंस हो गया था, तो ये दशा कब तक सुधर सकती है? बेटा तुमने सत्य कहा, क्योंकि यहाँ पर भी जन्म कुंडली के अंदर कुछ न किसी बड़ी दुर्घटना का योग बना हुआ है। बृहस्पति का समय इसके ऊपर चल रहा है और साथ में घर का बृहस्पति हमेशा बुरा होता है, जो अगर बच्चा हो तो उसको बीमारी देता है, अचानक दुर्घटना देता है, लिखाई पढ़ाई में विघ्न बाधा देता है और बड़े अजीब सी स्थिति बना के रखता है जिसके अंदर बच्चा पूरी तरह से निकल नहीं पाता, उल्टा दवाइयों के दौर चलते हैं। यहां पर हमें बृहस्पति को ही निकालने के उपाय देने पड़ेंगे, पर सबसे पहले इसके लिए उपाय, तुम्हारे घर में रखे हुए जितने भी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इन सबको निकाल के फेंक दो। काले और नीले रंग से और हरे रंग से इसका सख्त परहेज रखना है। काले नीले और हरे रंग से इसका सख्त परहेज रखना है। हर बुधवार को बेटा 200-400 ग्राम मूंग साबुत लेकर के उसको दान दो। हर 3 महीने के अंदर एक ढोलकी, जो चमड़े वाली होती है बजाने वाली, एक ढोलकी खरीद के किसी मंदिर के अंदर बेटा दान करवाओ इस बच्चे से। और हर बृहस्पतिवार को 7 हल्दी की गांठ, वो भी मंदिर के अंदर दलवाओ। इन उपायों को करने से इसके हालात ठीक होंगे। एक बात और तुम्हें बताना चाहता हूं, इस बच्चे का जब भी बुरा समय आएगा उससे पहले इसका चप्पल या जूता चोरी या गुम हो जाएगा, और ऐसी अवस्था के अंदर जैसे ही ये हो फौरन एक चमड़े की जूती खरीद करके बाहर किसी भी गरीब को फौरन दान दे देनी है। और इस बच्चे के लिए जब भी तुम चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ तो साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाने हैं, इस बात का खास ध्यान रखना। बेटा इन उपायों को करो, हर तरह की विघ्न बाधा ये दूर भी होगी, जो करंट लगने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम भी आई है बेटा, परमात्मा उसमें भी रिकवरी जरूर करवाएगा। तो ये उपाय करो, दाता खुशियां देगा। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कर दीजिए, अपनी परेशानी और डिटेल्स लिखिए। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा तो हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और शो पर लाइव गुरुदेव से आपकी बात भी करवाएगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र भी आप दीजिए। जरूर बेटा। बेटा आज बच्चों की लिखाई पढ़ाई का मामला चल रहा है, वो सारे उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन अभी कुछ और भी खास बाकी है। और वो खास क्या बाकी है, बच्चे का, जिस बच्चे का मंगल बिल्कुल प्रबल रहता है, बृहस्पति प्रबल रहता है, चंद्र प्रबल रहता है, वो पढ़ने लिखने में वैसे ही अव्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा अपने ऊपर हो तो ऐसे में आप देखिए कि जो बच्चों के एग्जाम भी आते हैं वो फरवरी मार्च के अंदर आसपास में वो शुरू हो जाते हैं, फाइनल वाले एग्जाम। तो ऐसी अवस्था में सर्दियों के अंदर जो आप खूब सारा घी डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के, जो आटे को भून के या सूजी को भून के वो जो पंजीरी आप बनाते हैं ना, वो मंगल की पंजीरी बन क्षमता देता है, याद रखने की क्षमता देता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
और जहां पर आपको लगता है कि अब बच्चे को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगाना चाहिए और इन दिनों के अंदर खास तौर पे बच्चा तरक्की करे, कंसंट्रेशन करे और अच्छी तरह से याददाश्त रखे, उन दिनों में बाकी सारे आपको उपाय तो बताएंगे, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आप बुधवार को चने की दाल को रात्रि को भिगो दीजिए और बृहस्पतिवार सुबह को उसको बिल्कुल ग्राइंड करके बारीक करके उसका हलवा बना लीजिए देसी घी में, चीनी वगैरह डाल के, बेशक उसमें कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आपकी मर्जी। बच्चे के हाथ से थोड़ा सा कहीं बंटवा दीजिए और उसको खाने के लिए बृहस्पतिवार को जरूर दें। आप इतना सा करके देखिए बेटा, आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की ग्रोथ भी होगी, उसके शारीरिक ग्रोथ भी होगी, उसके मानसिक ग्रोथ भी होगी और हर तरह से उत्तम बच्चा आपका होता चला जाएगा। दाता खुश है। तो आज का शो देखने के बाद आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, आपके पढ़ाई लिखाई में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, वो अब दूर हो जाएंगी। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को आप याद रखिएगा और उपाय जरूर करते रहिएगा। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी खुशियां दे और आपके बच्चों को कामयाबी दे।